अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैर आफियत से हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं बाग़ फिरदौसी में, और बाग़ फिरदौसी, मज़ार फिरदौसी या मकबरा फिरदौसी या आखिरी इमामगाह फिरदौसी के बाहर एक बहुत बड़ा पार्क है। ये देखें, बहुत वसी और रीस पार्क है। यहाँ से पार्किंग खासी दूर है। अभी हम आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिखाएँगे। यहाँ पर बड़े खूबसूरत स्टैचूज़ लगे हुए हैं, वो दिखाएँगे, और फिर हम आपको लेकर जाएंगे मज़ार फिरदौसी में। मकबरा फिरदौसी दिखाएंगे, फिर फिरदौसी म्यूज़ियम दिखाएंगे, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। बस उसी नाल नाल रहना, इधर उधर नहीं होना, ठीक है। आज हम आपको अजीम शायर फिरदौसी के मज़ार पे लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले ये बाग शूट करना ज़रूरी था, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। इसमें कुछ स्टैचूज़ हैं, कुछ मोनूमेंट्स बने हुए हैं, वो बहुत ही गुड लुकिंग है। इस पर देखें, शायरी लिखी हुई है फिरदौसी की। सलाम अलैकुम। सलाम। ये देखें, इस पर शायरी लिखी हुई है। और इधर आ जाइए, दरख्तों के दरमियान में से मैं होता हुआ आपको दिखाता हूँ फिरदौसी का अंदाज़े बयां। वाह वाह वाह, फिरदौसी का अंदाज़े बयां देखें। फिरदौसी के एक हाथ में किताब है, बल्कि एक हाथ में कॉपी कह लीजिए, बुक कह लीजिए, जिस पे वो लिख रहे हैं, और दूसरे हाथ में पर का बना हुआ कलम है। क्या खूबसूरत आर्टिस्ट ने काम किया है जी, कमाल ही नहीं करता। इससे बड़ा और क्या, साइज देखें और बनाने वाले की मेहनत देखें, और आगा जान को देखिए आप। सामने से सनलाइट पड़ रही है, थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो आपको, बल्कि मुझे तो प्रॉब्लम है वीडियो शूट करने में, लेकिन बहरहाल देखें आप क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है इन्होंने। फिरदौसी के मज़ार के बाहर ये राइट हैंड साइड पे, जब आप जा रहे होंगे मज़ार की तरफ, तो राइट हैंड साइड पर यह स्टैचू है। हम बाग में ही हैं, बाग में कुछ और भी चीज़ें हैं। बाग में मुर्तज़ा भी है, आगे मुर्तज़ा भी है बाग में। आगे मुर्तज़ा इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, और मुझे हर जगह गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। बच्चा छोटा सा है, लेकिन काम का है, इसके साइज़ पे ना जाइएगा। बस ही थोड़े जो पाकिस्तानी हो जाइए, बीचों दिन निकल जाइए। हालांकि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन की करिए, बिचों तो पाकिस्तानी है ना, दाल आन तो रहते ही नहीं। असी जिथे लग जाए अंग्रेजी का दी तो पंजाबी का दा, जिथे लगता ही ला। ये जी देखें आपको हम एक और, मैंने बताया ना कि ये पार्क शूट करने की वजह क्या बनी, वो आप देखिएगा। आप कहेंगे कि वाकई अच्छा किया, तुसी भी कोई चंगा काम किया, तो ये मेरे चंगे कमाई चो एक कम है वे, प्लीज़ इनू कंसीडर करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ऑल अबाउट ईरान के साथ रहिएगा। और ये देखें, ओ व्हाट अ ह्यूज स्टैचू, अल्लाहु अकबर, क्या बात है जी। मेरे एक भाई हैं, सबसे बड़े भाई, अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, वो तो दुनिया से चले गए। उनसे छोटे वाले जो हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट के बड़े शौकीन हैं। किसी वक्त में जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे, वो भी सनाए दस्ती, यानी कि हाथ से अपने तमाम तर खम वसाइल के साथ। मुझे आज भी याद है, हम छोटे से थे तो भाईजन हमसे काम करवाया करते थे, ये गाचनी मिट्टी के बनाते थे, जिसे मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, वो कहते थे ये मिट्टी कूट के दो, तो हम भी उनके साथ लगे रहते थे शुगल शागल में। तो ये वीडियो जो है, ये मैं अपने भाई के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं अपने भाई के लिए बना रहा हूँ। आप लोग तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन मेरा भाई देखेगा तो बहुत खुश होगा। चलें आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि आगे और क्या है इस पार्क में, मेरे साथ रहिएगा। फिल्म आक्स बांधी व फिल्म बांधी ये महारत है,
दुरुस्त है। मैंने से कहा कि फिल्म शूट करना भी एक एक्सपर्टीज है। बहरहाल मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने तो तुसी लाता है इस काम ते, लेकिन बहरहाल अब लगे हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जी। ये देखें, ये पार्क तो है ही है, लेकिन इस पार्क में जो कुछ इन्होंने लगा दिया है ना जी आर्ट के हवाले से, वो वाकई ही आउट क्लास, आउट क्लास। नीट एंड क्लीन, वेरी नीट एंड क्लीन एंड वेरी नीट एंड क्लीन। चूंकि सेकंड हाफ शुरू हो गया, जोहर की अजान हो चुकी है, तो इसलिए लोग आने शुरू हो गए। ये देखें जी, ये रुस्तम, अब पता नहीं साथ में सुराब है, ये रुस्तम और सुराब का हादसा, यस रुस्तम और सुराब का वाकया। ये देखें जी, रुस्तम को देखिए, ये भी इसी बाग में लगा हुआ एक स्टैचू है, इसी बाग में लगा हुआ एक स्टैचू है। ये देखिए जी, मेरे भाई अभी तक ईरान नहीं आए हैं, वो बावजूद चाहने के और बावजूद कई दफा इरादा करने के कोई ना कोई मैटर हो गया बीच में, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ज़ारात के बाद उनकी अगर कोई दिलचस्पी की चीज़ है तो वो ये है। ज़ारात तो अव्वल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खून खून में हर कतरे में एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है कि हमने मोहम्मद वाले मोहम्मद के मकामात की ज़ारात करनी। ये देखें जी, यू जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ द स्टैचू, मैं इसे करीब से कैप्चर ही नहीं कर सकता। ये देखिए, चलें बाग में और घूमते फिरते हैं, हमारे साथ साथ रहिएगा।